This is an ABP Life podcast. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुर्खियों में रहते हैं, योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है और कई बार उनको इस तरह भी देखा जाता है कि जैसे वह एक खास समुदाय के खिलाफ उनकी नीतियां काम करती हैं, हालांकि वह और उनकी पार्टी इन सब से इनकार करते हैं। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन पर एक कानून बना था और उस कानून के बाद अब तक सैकड़ों मुकदमे दर्ज हुए हैं, सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन उन सब का हल क्या निकला? पिछले 4 वर्षों में आखिर वह कानून कितना फायदेमंद रहा है या फिर उसके नाम पर कुछ और हो रहा है? मैं हूं व्यालोक और इस पूरे मसले पर विस्तार से बात करूंगा मैं वरिष्ठ पत्रकार उत्कर्ष सिन्हा जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धर्मांतरण विरोधी कानून की मैं बात कर रहा था। धर्मांतरण के लिए कहा जाता है कि अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए यह कानून लाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कानून को वहां लागू किया और उसके बाद से अब तक बहुत कुछ वहां की नदियों में, गोमती में पानी बह चुका है। मैं आपसे पहला सवाल यह करूंगा कि इस कानून की जरूरत और उसके बाद अभी तक पिछले 4 साल में क्या हुआ है, इसको थोड़ा बैकग्राउंड समझाते हुए आप हमें बताएं। देखिए, जब उत्तर प्रदेश में ये कानून लागू हुआ, उसके साथ साथ भाजपा शासित तमाम प्रदेशों में ये कानून लागू हुआ। मध्य प्रदेश से लेके दूसरे बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। और ये कानून जब बनाया गया तो उसमें एक शब्द लिखा गया, बलपूर्वक धर्मांतरण। और यही जो बलपूर्वक धर्मांतरण, क्योंकि वैसे तो भारत का संविधान सभी को ये स्वतंत्रता देता है कि वो किस धर्म को माने और किस धर्म को ना माने अपनी आस्था के अनुसार। और भारत में इस तरह की घटनाएं जो धर्म परिवर्तन की हैं, वो कोई बहुत बड़ी घटनाएं, बहुत ऐसी अचानक होने वाली घटनाएं नहीं है। हमें याद करना होगा 1956 में भीमराव अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म छोड़ के अपने सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था, तब उनके सवाल दूसरे थे। उसके बाद हम केरल में देखते हैं बड़ी संख्या में धर्मांतरण होते रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि उस धर्मांतरण का अगर प्रतिशत देखें तो सबसे ज्यादा प्रतिशत निकलता है जो दूसरे धर्म छोड़ के हिंदू धर्म में शामिल होने वाले लोगों का। तो ये तो एक स्वाभाविक सी बात है, व्यक्ति की अपनी आस्था है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और उसके बाद आदित्यनाथ जी की राजनीति के 2 बड़े आधार रहे हैं। एक, उन्होंने लव जिहाद का मुद्दा बहुत जोरों शोरों से हमेशा उठाया, अपने जब वो विपक्ष में थे तब भी उठाते रहे थे। और दूसरा, हिंदू संगठनों का एक ये कहना था कि जबरदस्ती इस्लाम और ईसाई धर्म स्वीकार कराया जा रहा है। तो इन सब को लेके जब सरकार में आए योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने एक कानून बनाया। और उस कानून में अभी हालिया दिनों में, यानी कि कानून बने हुए भी 3 साल हुए थे, उसके बाद एक बड़ा संशोधन और कर दिया, तब से ये चर्चा और गर्म है जी। इस बीच में बहुत सारे ऐसे मामले उत्तर प्रदेश में आए जहां पर ये आरोप लगाया गया कि धर्मांतरण कराया जा रहा था। यहां तक कि इलाहाबाद के एक बहुत पुराने संस्थान के प्रिंसिपल को भी इस आरोप में लपेटा गया और उसके बाद फिर उनकी गिरफ्तारी भी हुई। तो ये अचानक से बहुत सुर्खियां बटोरने लगा ये मामला। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों के ऊपर ये आरोप लगाए जा चुके हैं, बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2021 से लेके और 2024 के बीच में जिन 116 मामलों में गिरफ्तारियां की गई थी, उसमें से सिर्फ 2 मामले ही ऐसे निकले जिनमें दोष सिद्धि हुई, बाकी ऐसा कोई मामला नहीं निकला। लेकिन हाँ जी, आपने दोष सिद्धि की बात कही है, इस पर वहां के जो डीजीपी हैं उनका एक बयान है, उसका एक टुकड़ा मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि 2020 से अब तक लगभग 835 मामले हुए हैं
और उसमें 2700 लोग नामित हुए हैं, यह तो आंकड़ा है। और डीजीपी का कहना है कि 98% मामलों में आरोप पत्र दायर है और केवल 17 मामलों की अभी भी जांच चल रही है। हाँ, निश्चित तौर पर आरोप पत्र दायर होना दोष सिद्धि नहीं होती है। जी बिल्कुल, मैंने दोष सिद्धि की बात की। मैं वही कह रहा हूँ कि आरोप पत्र दायर होना और दोष सिद्धि के बीच का जो फासला है उस पर हम लोग बात करें थोड़ा। वो काफी बड़ा फासला है और इस तरीके से हमने देखा है कि बहुत सारे मामले जब होते हैं एक पैनिक होता है और उसके बाद फिर जैसे मैंने कई उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर कि कोई किसी ने आरोप लगाया बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने कि फलानी जगह पे जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि एक FIR हुई, पुलिस ने छापा मारा, कुछ जो आरोपित थे उनको गिरफ्तार किया, लेकिन वहां पर क्या हो रहा था असल में ये तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि अदालत उसको उस पर फैसला ना सुना दे। तो ये तो अपनी जगह कानूनी बात हुई, लेकिन हाँ इससे एक चीज जरूर होती है ऐसी घटनाओं से कि चर्चाएं बहुत होती हैं। चर्चाएं जब होती हैं तो लोगों के मन में एक विचार भी आता है और वही शायद एक राजनीति की जरूरत भी है कि लोगों के बीच में एक विचार आए। तो हालांकि अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश के बाहर खासतौर से जो आदिवासी इलाके हैं वहां धर्म परिवर्तन के बहुत सारे आपको वो मिलेंगे इंसिडेंसेस जिसमें कई बार तो ईसाई मिशनरियों का जिक्र होता है और कई बार घर वापसी का जिक्र होता है। तो जबरन धर्म परिवर्तन के बाद घर वापसी, अब ये घर वापसी और इसके आंकड़े भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे खासतौर से केरल में बहुत सारे लोग हैं जो स्वेच्छा से धर्म अपना लेते हैं और उसके बाद फिर धर्म छोड़ देते हैं। तो ये व्यक्ति की स्वेच्छा का मामला है, लेकिन हाँ जबरदस्ती कोई भी चीज अगर हो रही है तो वो कानूनन अपराध होती है और इस मामले में भी ऐसा है, लेकिन राजनीति अपना काम करती है, कानून अपना काम करता है। राजनीति ने इस मामले को बढ़ाया, खास तौर पे इस मामले में जो सबसे बड़ा जो चुनौती आ रही है, सबसे बड़ी चुनौती जो आ रही है वो आ रही है स्त्री पुरुष संबंधों में और ऐसी जगहों पे जहां पर कि दो अलग संप्रदाय के लोग आपस में या तो लिव इन रिलेशंस में रह रहे हैं या शादी कर रहे हैं और उसमें इस मामले को लव जिहाद का रूप दे दिया जाता है। कुछ इंसिडेंसेस ऐसे हुए भी हैं जहां पर कि स्त्री के ऊपर, महिला के ऊपर जबरदस्ती लड़के के घर वालों ने दबाव बनाया और उनसे कहा कि वो धर्म अपना ले, लेकिन ज्यादातर मामलों में ऐसा हुआ है ये भी नहीं कहा जा सकता है। कुछ मामले जरूर होते हैं, वो समाज के हर हिस्से में होते हैं, लेकिन ऐसे मामले चर्चा में बहुत आते हैं। खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अनुषांगिक संगठन इसको काफी चर्चा में लाते हैं और उनके अपने राजनीतिक आधार हैं, उनके अपने वैचारिक आधार हैं। तो कुल मिला के ये कानून बनना और 3 साल के भीतर ही उसको और कड़े कानून के रूप में परिवर्तित करना, एक तरफ से देखा जाए तो राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा है इस मामले में और सरकार बिल्कुल कोई कोताही नहीं करना चाहती है, और दूसरी तरफ अगर ये माने तो इस आड़ में उत्पीड़न की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसा कोई भी कानून जो सख्त कानून होता है और खास तौर पे जिसके भीतर कोई स्पष्ट होना अभी बाकी है, बावजूद उसके गिरफ्तारियां जब होती हैं तो फिर वो बहुत सारी चर्चाएं उसके बाद होती हैं, उस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगते हैं और सामान्यतया लोग मान लेते हैं। तो ऐसे कानूनों का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, क्या वो विवेकपूर्ण इस्तेमाल है, क्या वो जांच के बाद गिरफ्तारी हो रही है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर जरूर चर्चा होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल है, धर्मांतरण एक सच है, प्रलोभन से जबरदस्ती फंसाकर किसी झूठ के सहारे धर्मांतरण गलत है, ये हमारा कानून है,
लेकिन यह बहुत ही भाववाचक बात नहीं है क्या? और इसको सिद्ध करने में जो समस्या आ रही है, इसलिए आपको क्या लगता है कि कानून बनाना पर्याप्त है या फिर उसकी सही से उसका कार्यान्वयन हो वह जरूरी है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रश्न ये है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है तो वो किस आधार पे हो रहा है। यहाँ पर तीनों मामलों का जिक्र किया जाना चाहिए कि अगर दलित समाज बौद्ध हो रहा है, बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो रहा है, तो क्या इस हिंदू धर्म के भीतर उसके साथ क्या न्याय नहीं हो रहा है, एक प्रश्न ये भी है। दूसरा प्रश्न ये है कि अगर दो वयस्क युगल अलग अलग संप्रदाय के आपसी सहमति के साथ विवाह करते हैं और उसके बाद उनमें से कोई एक अपना धर्म परिवर्तन करता है तो क्या इसे जबरदस्ती माना जाना चाहिए? और तीसरी बात यह है कि क्या ये मसला सिर्फ कानून है या ये राजनीतिक रूप से बना हुआ कानून है? क्योंकि अगर आप देखें भारत सरकार का रुख इसके ऊपर, तो 2022 से लेके अब तक 3 बार भारत सरकार से पूछा गया पार्लियामेंट में इस मामले को लेकर के सवाल, और भारत सरकार यह कह के अपना पल्ला झाड़ लेती है कि ये कानून व्यवस्था राज्य का मामला है, केंद्र सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है और हमें ऐसा नहीं लगता है कि ऐसे कानून की केंद्रीय स्तर पर कोई जरूरत है। तो केंद्र में भी मतलब अगर डबल इंजन की सरकार की बात करें तो केंद्र की सरकार अपनी जगह उसी दल की है, उसी विचारधारा की है जिस राज्य की सरकार है, लेकिन उसके बाद भी ये दोनों रास्ते अलग हैं सरकार के तौर पर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि स्थानीय स्तर की राजनीति के लिए भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि ये साथ में कहना जरूरी है कि कोई भी कृत्य जो जबरदस्ती किया जाता है वो कानूनी रूप से गलत होता है और कानून में इसकी सजा होनी ही चाहिए। प्रलोभन दे करके धर्म परिवर्तन कराने के बहुत सारे उदाहरण रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और अगर याद करें तो कई साल पहले, तकरीबन 30-35 साल पहले, उड़ीसा में एक क्रिश्चियन प्रीस्ट ग्राहम स्टेन्स की हत्या कर दी गई थी, उनकी गाड़ी में उनको बच्चों से जला दिया गया था सिर्फ इसी आरोप की वजह से कि वो प्रलोभन देके धर्म परिवर्तन करा रहे थे। तो ऐसी अराजकताएं भी होती रही हैं ये इन मामलों में हमेशा से, और उसको रोकना भी जरूरी है। तो लेकिन बात ये होती है कि कानून का विवेकपूर्ण इस्तेमाल सुनिश्चित करना भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है या किसी सरकार की जिम्मेदारी है। तो क्या वो प्रक्रिया का पालन हो रहा है, प्रश्न इस पर किए जा सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। दिस इज एन ABP लाइव पॉडकास्ट।